हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग आपका दोस्त नो सुनील एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। केआरएस ग्रुप के ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई हैं ऑलरेडी, और इवन जहाँ जहाँ पे उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पे भी मैंने कोशिश करी है, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँ अपनी वीडियो के थ्रू, एंड लोग भी काफ़ी देख रहे हैं उस वीडियो को एंड काफ़ी सारी विजिट भी आ रही है, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था कि मेरे बाद कुछ इस तरीके की रिक्वेस्ट भी आती है कि बॉस दिल्ली एनसीआर में अगर कोई प्रॉपर्टी है सही रेट पे मिल रही है और कोई मकान है स्पेशली बनता बना हुआ मतलब, और बजट के अकॉर्डिंग है, तो यार वो भी हमें प्लीज इस पे भी इन्फॉर्म कर दिया करो, एक वीडियो छोटी मोटी सी क्रिएट कर दिया करो। तो मैंने बताया था कि जैसे मेरे पास कुछ आएगा नया प्रोजेक्ट तो मैं स्पेशली आप लोगों को जरूर उसके अंदर इन्फॉर्म करूंगा और वीडियो के थ्रू आपको बताने के लिए कोशिश करूँ। तो गाइस एक न्यू यू कहें कि ग्रुप है, उसके साथ भी जस्ट मैंने ज्वाइन कर लिया है। तो क्या है उसके अंदर और कहां पर वो मकान है और प्राइस मैं ओपन नहीं करूंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है, कहां पर है, कितने गज में बन रहा है एंड एनवायरनमेंट कैसा है वहां का, तो मैं सब कुछ आपको इसमें बताऊंगा। तो गाइस उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपको अपकमिंग जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं केआरएस ग्रुप के या दिल्ली एनसीआर में कहीं पर आपको मकान चाहिए, बजट के अकॉर्डिंग आप अगर आप लेना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि किस्तों पे भी मिल जाए, अगर नहीं है तो लोन कैसे होगा, बट एवर सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, तो मैं आपको टाइम टू टाइम उस पर वीडियो क्रिएट करके देता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को तुरंत ही लाइक कर लीजिएगा, इस तरीके के निशान होगा उस पर तुरंत लाइक कर लो, अंगूठे का जो निशान है ना उस पर तुरंत क्लिक कर लीजिए फटाफट से। तो गाइस देखिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, एक ग्रुप है एसआर ग्रुप करके, ठीक है, दिल्ली एनसीआर में स्पेशली मैं उन लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ और उन लोगों ने भी बोला कि कुछ हमारी भी प्रॉपर्टी है इसे भी सेल कराओ, देखो कहीं पर अगर कुछ मिलता है तो गाइज मैंने ज्वाइन कर लिया है। एंड स्पेशली ये लोग भी अपना यू कहेंगे किस्तों पे ज़मीन प्रोवाइड कराते हैं, 143 में इनकी ज़मीन रजिस्टर्ड है सारी की सारी। और एक चीज़ और मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग अगर किस्तों पर प्लॉट लेना चाहते हैं, स्पेशली ये लोग मकान भी बना के देखते हैं, तो प्लॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, 4,80,000 रुपये में आपको 40 गज का प्लॉट मिलता है, ठीक है, आधी पेमेंट आप पहले दे सकते हैं, आधी पेमेंट देके रजिस्ट्री करा सकते हैं, आधी पेमेंट आप ऐसे इंस्टॉलमेंट में या ईएमआई में दे सकते हैं, 24 महीने की आपकी ईएमआई बैठती है या थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं आती, 30 में भी आप पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे फिलहाल स्पेशली आप लोगों के लिए कि अभी जो करंट में एक यूं कहेंगे कुछ मकान आए हुए हैं, ठीक है, जो लोग अगर इन मकानों को लेना चाहते हैं गाइस ले सकते हैं, प्राइस ओपन नहीं करूंगा। अधिक जानकारी अगर आप इस पर लेना चाहते हैं, बोलते हैं ना अगर आप इस पर अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर पड़े हुए हैं, नंबरों पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, किसी रीजन से फोन नहीं उठता तो मेरी टीम उसे नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको रिवर्ट आ जाएगा स्पेशली, ठीक है। तो गाइस मैं जो मोबाइल मकान है उसकी स्पेशली एक वीडियो क्रिएट करके लाया हूँ, तो मैं आगे स्क्रीनशॉट तो नहीं आगे वीडियो लगा दूंगा, वो उसे आप देखते रहिएगा और देख के बताइएगा कि इस मकान में इसका प्राइस आपके हिसाब से कितने का होना चाहिए और ये आपको कहाँ कैसे मिल सकता है, इसमें आपको कितनी पेमेंट देनी है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो चलिए पहले चीज़ें तो आपको मैं बता देता हूँ, बाद में आगे की बात करेंगे। देखिए ये है आपका लाल से जब आप थोड़ा सा आगे जाते हैं दादरी वाली रोड की तरफ से तो रेलवे मॉडर्न सिटी पड़ती है, वहाँ पे छपरौला बोलते हैं जिसे बेसिकली, लेकिन छपरौला से राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर रेलवे मॉडर्न सिटी के लिए एक रास्ता चला जाता है, ठीक है। तो ये वहाँ पर है मकान, अफोर्डेबल प्राइस पे मिल रहा है, सबसे पहली चीज़ यह है इसका। अगर आप इस पर लोन कराना चाहें तो गाइस लोन भी हो सकता है, उस पर बैंक से आप किसी से भी लोन करा लीजिएगा, इजीली जाके लोन हो सकता है अफोर्डेबल प्राइस पे, ये भी मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ। 50 गज के अंदर बना हुआ है, छत आपकी है और ऑलरेडी आप वीडियो में जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्पेस कितना है, एनवायरनमेंट कितना है, एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट है बिल्कुल ही, क्योंकि जिस तरीके से आप शहर में देखते ना चैं चैं पै पै हर जगह ट्रैफिक हर जगह शोर, इस तरीके से थोड़ा सा एनवायरनमेंट अलग है, शांति का एनवायरनमेंट है वहाँ पे, आराम से अपना आप जाएंगे सीधा अपने घर में जाएंगे। ये भी नहीं है कि लोग नहीं रह रहे, आप वीडियो में देखेंगे काफ़ी सारे लोग स्पेशली वहाँ पे रह रहे हैं और मैक्सिमम बंदे जब ये रेलवे मॉडर्न सिटी को मतलब बनाया गया था या यूं कहेंगे रेलवे मॉडर्न सिटी के प्लॉट काटे गए थे, मैक्सिमम बंदे यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सारे के सारे सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने यहाँ पे प्लॉट खरीदे थे, जिन्होंने मकान बना लिए। कुछ लोग ऐसे हैं
जो लोगों ने दो दो तीन तीन उस समय पे सस्ती होगी तो लोगों ने ले लिया, लेकिन अब वो बेच रहे हैं। तो ये जो मकान है ना, ये रिसेल के लिए आया हुआ है, ठीक है। फिलहाल अभी मैं एक ही मकान पे आपको एक वीडियो क्रिएट करके दे रहा हूँ कि आप इस मकान पे जाके विजिट करना चाहें विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, विजिट फ्री है, विजिट का कोई चार्ज नहीं होगा। और बाकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको आगे मिलेगी वीडियो के अंदर, तो आप वीडियो आगे देखते रहिएगा कंटिन्यू। कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो मुझे स्पेशली कमेंट कर सकते हैं। प्राइस के बारे में पूछना चाहें नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, तो इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। और कोशिश अब यही रहेगी मेरी कि रोज़ आपको एक ना एक प्रॉपर्टी के बारे में इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। हालांकि कुछ लोग ये क्वेश्चन भी होते हैं कि रोज़ वीडियो नहीं डालते आप, बस प्रॉपर्टी भी तो रोज आनी चाहिए, तभी तो एक ही चीज़ को 10 बार बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। हालांकि बहुत सी चीज़ें हैं, KRS ग्रुप में मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई, हर एक चीज़ को मैंने बारीकी से बताया कि KRS ग्रुप में ये चीज़ इतने की है, ये चीज़ इतने की है, इतनी आपको EMI देनी है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं KRS ग्रुप के अंदर जो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। तो बाकी चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं कराया, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को तुरंत ही लाइक कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, ऑनेस्टली आप कमेंट कीजिएगा। आगे आप वीडियो देखिएगा, वीडियो देख के मेरे को बताइएगा मकान की कि आपको एक्चुअल में ये मकान कैसा लगा, इसका प्राइस आपके अंदाजे से कितने का होना चाहिए कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और जो भी कुछ आप पूछना चाहें तो स्पेशली कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए ओके, आगे आप वीडियो देखिए पहले। ये कॉलोनी है मॉडर्न रेलवे सिटी, इस गली में मकान है 50-50 गज में। ये 22 फुट रोड है, साइड से मकान बने हुए हैं अगल बगल के। ये राइट साइड, लेफ्ट साइड चल रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हमारे दोनों मकान आने वाले हैं, हम आपको अंदर से वीडियो दिखाएंगे। जी ये 22 फुट RCC रोड है, पीछे भाई ये आ चुके हैं। दो मकान हैं, 50 गज में हैं। अभी हम इसको अंदर से ताला खोलेंगे। ये बाहर से इनका फ्रंट है, साइज है इनका 15x30। ये मेन गेट है, नेक्स्ट वीडियो दिखाएंगे अंदर से ताला खोल के आपको। ये मेन गेट से एंट्री कर रहे हैं हम स्टेयर पे चढ़ते हुए। ये आपकी गैलरी है, ये जीने की छत है। अंदर चलेंगे लेफ्ट साइड में, ये दरवाज़ा आ गया है, रूम है लेफ्ट साइड में। ये इसकी सामने वाली दीवार है जिस पे टेक्चर पेंट हुआ हुआ है। ये फ्रंट की एक खिड़की वाली दीवार है, फिर ये दरवाजे वाली दीवार आ गई है। इसकी छत दिखाएंगे, छत में 4 सीलिंग हो रखी है। और हम रूम से बाहर निकलते हैं, जीने की तरफ चलेंगे। ये हमारा जीना है, जीने के ऊपर चलते हैं। इसकी मुंडी बनी हुई है, राइट से मिलेंगे, इससे जीने का दरवाज़ा जाएगा। हम चलेंगे छत की तरफ ऊपर, सामने लास्ट में जाके लेफ्ट साइड पे
देखिए लैट्रिन बाथरूम बना हुआ है, फ्रंट की बालकनी है। वापस उतरते हैं जीने से नीचे की साइड। पहले वाले रूम से लेफ्ट साइड में सकेंगे, ये हमारी मॉडलर किचन है। किचन के साइड में ये वॉश बेसिन है।